नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 12 जिला कलेक्टर ने नगर परिषद की टीम के साथ 12 शहर का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए साफ सफाई के निर्देश। 100 किलोमीटर तक चल रहे कार्यों में गिट्टी व मिट्टी को ले जा रहे हैं खननकर्ता। 12 आबकारी विभाग ने की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 156 पव्वे शराब जब्त कर 2 आरोपी किए गिरफ्तार। पूजित अक्षत घर घर देकर दिया आमंत्रण, भक्तों में जबरदस्त उत्साह, खातोली खंड में अक्षत वितरण संपन्न। अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे पूज्य संत का स्वागत कर रवाना किया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 12 जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर बुधवार अल सुबह ही पैदल शहर के भ्रमण पर निकल पड़े और शहर के हालात देखे। इस दौरान नगर परिषद की टीम भी उनके साथ रही। जिला कलेक्टर तोमर सवेरे प्रताप चौराहे से सब्जी मंडी होते हुए श्री कल्याण राय जी मंदिर पहुंचे, जहां भगवान के दर्शन किए। उसके बाद मंदिर के बाहर स्थित चाय की दुकान पर कलेक्टर ने अपनी टीम के साथ चाय पी और दुकानदार को खुद अपने हाथ से पैसे दिए। भ्रमण के दौरान एसडीएम दिव्यांशु शर्मा, नगर परिषद आयुक्त बृजेश रॉय, सफाई निरीक्षक नरसी स्वामी सहित नगर परिषद की टीम उनके साथ रही। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद अधिकारियों को शहर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। एसडीएम दिव्यांशु शर्मा ने बताया कि आज जिला कलेक्टर ने पूरी टीम के साथ शहर का भ्रमण किया। जिला कलेक्टर ने सफाई व्यवस्था सहित लाइट की व्यवस्था को लेकर नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए। नगर परिषद को टाइम दिया है कि अगले 10 से 15 दिन में वो दोबारा भ्रमण करेंगे और आदेश की पालना हुई या नहीं देखेंगे। जिला कलेक्टर ने शहर के पार्क का भी इस दौरान निरीक्षण किया और अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने के सख्त निर्देश दिए। 12 से संवाददाता बृजेश यादव की रिपोर्ट। आज जिला कलेक्टर ने पूरी टीम के साथ, जिसमें मैं भी शामिल था, आयुक्त नगर परिषद नगर परिषद की टीम के साथ सिटी का भ्रमण किया था, जिसमें सिटी के चौराहों, पार्कों, मार्केट सभी का भ्रमण किया था। सभी सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद को काफ़ी निर्देश दिए हैं तथा सर ने त्वरित पालना के लिए ये आदेश दिया है और नगर परिषद को टाइम दिया है कि अगले 10 दिनों में 15 दिनों में सर दोबारा भ्रमण करेंगे तथा जो सर के ने जो आदेश दिए हैं उनका कुछ विजुअल इम्पैक्ट शहर पे नज़र आना चाहिए। सर के इस तरह के आदेश हैं, खासकर की नाली सफाई व्यवस्था, पार्क और चौराहों के साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था इत्यादि संबंधित सर के निर्देश हैं, जिनके लिए नगर परिषद को पाबंद किया जा चुका है। इटावा क्षेत्र में बहने वाली बड़ोद ढीबरी कालीसिंध नदी को पिछले 5 सालों में खननकर्ताओं ने छलनी कर दिया। 100 किलोमीटर तक की रेंज में होने वाले कार्यों में गिट्टी व मिट्टी इसी कालीसिंध नदी से ले जाया जा रहा है। यहां पर कई क्रेशर चल रहे हैं, जिन्होंने एक तरफ विशालकाय गड्ढे बना दिए हैं तो वहीं दूसरी तरफ गिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ लगा दिए। यहां पर अवैध खनन को लेकर पिछले 5 सालों में एक भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे खननकर्ताओं के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। सरकार बदलते ही पूरे प्रदेश में अवैध खनन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही की जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र में इतने बड़े बड़े स्टॉक होने के बावजूद एक भी कार्रवाई इस और नहीं हुई। संबंधित विभागों के अधिकारी भी अपना अपने एरिया क्षेत्र का हवाला देते हुए कार्रवाईयों से पल्ला झाड़ देते हैं। स्थानीय ग्रामीणों से मिली सूचना के अनुसार यहां पर पत्थर, मिट्टी, गिट्टी सभी का खनन होता है, पर सभी विभागों की मिली भगत से खनन बदस्तूर जारी है। ग्रामीणों ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 12 में आबकारी आयुक्त उदयपुर के निर्देश पर आबकारी विभाग अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध 13 जनवरी से चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 स्थानों से 156 पव्वे शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला आबकारी अधिकारी अजय कुमार जैन ने बताया कि आबकारी विभाग के द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अवैध शराब बिक्री के खिलाफ 13 जनवरी से 31 जनवरी तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आबकारी विभाग 12 ने 2 अलग अलग स्थानों पर 12 और फतेहपुर में कार्रवाई करते हुए 156 पव्वे शराब जब्त की। साथ ही 2 आरोपी राजेंद्र यादव और विनय को गिरफ्तार किया। जिले में कार्रवाई जारी रहेगी और अधिक से अधिक कैश बनाकर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। 12 से संवाददाता बृजेश यादव की रिपोर्ट।
श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समिति द्वारा आगामी पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी सोमवार को शुभ दिन प्रभु श्रीराम के बाल रूप नूतन विग्रह को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अभियान को लेकर गांव गांव में प्रत्येक घर घर तक पहुंचकर कार्यकर्ता राम भक्त अयोध्या से आए पूजित अक्षत को देकर आमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही राम मंदिर का चित्र व जानकारी पत्रक भी दे रहे हैं। इसको लेकर समिति के कार्यकर्ताओं अन्य सामाजिक संगठनों के राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। अभियान के क्रम में खातोलीखंड के संयोजक ओम प्रकाश मीणा जितेंद्र नागर ने बताया कि खातोलीखंड के सभी गांवों में अक्षत वितरण अभियान पूरा हो गया है, कुछ बाकी रहे परिवारों में कल तक संपन्न कर लिया जाएगा। आज जटवाड़ा, जटवाड़ी, गोपालपुरा, लाखनी ग्राम में अयोध्या से आए पत्रक, मंदिर चित्र, पूजित अक्षत को लेकर प्रत्येक हिंदू परिवार में निमंत्रण देकर आमंत्रित किया गया। गांवों में लोगों में जबरदस्त उत्साह है। 22 जनवरी को सभी गांवों के मंदिरों को केंद्र मानकर दीपावली जैसा उत्सव मनाने की योजना बनाई गई है। इस अभियान के दौरान आज ओम प्रकाश मीणा, केशवपुरा, विहिपंती, भेरूलाल गुर्जर, भेरूलाल नागर, शानाहल्ली, भारतीय किसान संघ अध्यक्ष रविन्द्र योगी तलाव, सदस्य बनवारी यादव खातोली, नन्नाराम भक्त काना मीणा, जटवाड़ा धारा सिंह गुर्जर, देलोद सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। दिघोर क्षेत्र के कमल सरोवर धाम डूंगराज्य ग्राम में श्री रामचरित मानस की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चल रही श्री राम कथा की चतुर्थ दिवस पर राम विवाह कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। श्रद्धालुओं ने राम विवाह की कथा को सुनकर अपने आप को धन्य समझा। कथावाचक रामजी महाराज ने बताया कि वह श्री राम के गुरु विश्वामित्र को संदेश मिला कि राजा जनक के महल में एक शिव धनुष है जो सीता माता ने उठा लिया था। जब ये बात राजा जनक को पता चली तो उन्होंने सभी राज्यों के राजाओं को संदेश दिया, जो भी राजा इस धनुष को उठा लेगा उसी से सीता का विवाह हो। ये सुनकर स्वयंवर में सभी राजा उपस्थित हुए और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठा न सके। ये सुनकर विश्वामित्र अपने शिष्य भगवान श्री राम के साथ स्वयंवर में पहुंचे और भगवान श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर धनुष को उठाकर तोड़ दिया। राजमहल श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। सीता माता ने भगवान श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। ये देखकर पंडाल में श्रद्धालुओं ने श्री राम के जयकारे लगाए और सीता माता के जयकारों से पूरे पंडाल को गूंज उठा। तो वहीं श्रद्धालु भगवान श्री राम के विवाह के उत्सव में भजनों में जमकर झूमे। इसके उपरांत अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि मुख्य यजमान महेश नागर व सभी भक्तों के द्वारा आरती की गई और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। बारा जिले के अंता विधानसभा दौरे पर आए विधायक अवरलाल मीणा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस की न्याय यात्रा को नौटंकी बताया और कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पूर्व ऐसी नौटंकी यात्रा निकाली थी जिसको जनता ने नकार दिया और भाजपा ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की और अब फिर कांग्रेस न्याय यात्रा निकालकर जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन इनके इस नौटंकी को जनता फिर करारा जवाब देगी। साथ ही विधायक कंवरलाल मीणा ने राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया और कहा कि 22 तारीख को पूरा देश दिवाली मनाएगा और संपूर्ण देश भगवा में नजर आएगा। इसे स्वयं पूर्व विधायक ने स्टेशन के पास मंशापुर मंदिर की सफाई की और साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आमजन की समस्याएं भी सुनी। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। सुल्तानपुर क्षेत्र के सुरेला गांव में निकाली गई श्रीमद् भागवत कथा की शोभा यात्रा। सुरेला गांव में 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। समापन के दौरान पंचकुंडी यज्ञ किया गया। ग्रामवासियों ने श्रीमद् भागवत को नगर भ्रमण करवाया। नगर भ्रमण के दौरान प्रधान कुंड के मुख्य यजमान राधेश्याम जी मीणा रहे। अंत में महाप्रसादी वितरित की। इस अवसर पर कमलेश मीणा, रामेश्वर मेघवाल, बालचंद मीणा, दिनेश मीणा, उपप्रधान नरेश नरुका, हरीश मीणा, भुवनेश योगी, महावीर मीणा, विकास मीणा, विशाल योगी, महावीर सेन व समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट।
इटावा में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समिति अयोध्या द्वारा आयोजित 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण इटावा राम द्वारा मोटे महादेव मंदिर कोटा के पूज्य महंत बाबा दशरथ दास जी महाराज को भी मिला है। विहिप के प्रखंड मंत्री सतीश सोनी व गिरजाशंकर गुप्ता ने बताया कि बाबा दशरथ दास जी महाराज विहिप के संत मार्गदर्शन मंडल के संत हैं। इटावा वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में इटावा राम द्वारा के संत दशरथ दास जी महाराज भी भाग ले रहे हैं। इटावा के प्रसिद्ध स्थान फतेहपुर के गणेश जी महाराज के मंदिर पर पहुंचकर बाबा का राम भक्तों ने माला पहनाकर पुष्प वर्षा से स्वागत कर सभी ने बधाई दी और पूज्य बाबा दशरथ दास जी महाराज को अयोध्या के लिए जय जय श्री राम के जय घोषों के साथ रवाना किया। इसी दौरान धनराज पारेता, त्रिलोक पारेता, विनोद गुप्ता, मुकेश पारेता, गिरजाशंकर गुप्ता, सतीश सोनी, रामदयाल प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बारा जिला कलेक्टर ने नगर परिषद की टीम के साथ बारा शहर का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए साफ सफाई के निर्देश। 100 किलोमीटर तक चल रहे कार्यों में गिट्टी व मिट्टी को ले जा रहे हैं खननकर्ता। बारा आबकारी विभाग ने की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 156 पव्वे शराब जब्त कर दो आरोपी किए गिरफ्तार। पूजित अक्षत घर घर देकर दिया आमंत्रण, भक्तों में जबरदस्त उत्साह, खातोली खंड में अक्षत वितरण संपन्न। अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे पूज्य संत का स्वागत कर रवाना किया। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।